वेलकम टू कंपटीशन क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज जो हमारा सेशन है वो है हमारा मैथ गणित का, और ये हमारा इसका सिक्स पार्ट है। इससे पहले पांच वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा तो रुको जाकर जरूर देख लेना। सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज भी हम यहाँ पर टॉप फाइव क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने के चांस हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और हेल्पफुल भी लगेगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये वीडियो है जिनका RRB NTPC CISF SSC और जितने दिल्ली पुलिस जिसके अंदर अर्थमेटिक और एडवांस मैथ पूछा जाता है उन सभी के लिए ये वीडियो रहेगा। तो देखिएगा जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुँचती है। सामान्य गति से यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा। और देखिए ये क्वेश्चन आपको ज़रूर जाना पहचाना लग रहा होगा देखने में, तो इसको हम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे कि आप इसको कैसे एकदम इजी वे से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा अगर आपके पास ऐसा का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सामान्य गति दी है 2/3, तो 2/3 का आपको 2 ऊपर लिख लेना है, और 2/3 के अंदर डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस को हम क्या करेंगे यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2/4 होता तो हम क्या करते, 2/2 लिखते, क्योंकि डिफरेंस जो है इसके बीच में कितने का है, 2 का है। तो इतना आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिएगा तो फिर वह 3 घंटे देरी से पहुँचती है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। बस आपको इतना सा काम करना है और आपका जो है वो एक्चुअल समय आ जाएगा अगर वह अपनी सामान्य गति से चलती। तो एक्चुअल समय हमारा यहाँ पर कितना गया गुणा करने के बाद, 6 घंटे, और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। उम्मीद करूंगा ये चीज़ आपको इतनी सी ट्रिक समझ में आई होगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बस इस ट्रिक के ऊपर फॉलो करना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोई रेलगाड़ी अपोजिट दिशा में चले, मान लीजिए एक रेलगाड़ी यहाँ से जा रही है और एक रेलगाड़ी ए से जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जब भी कोई दो रेलगाड़ियाँ चलेंगी तो देखिएगा वहाँ पर उनकी लेंथ क्या होगी, लेंथ प्लस होगी। और लेंथ देखिए हर एक केस में प्लस होगी, चाहे रेलगाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में भी चलेंगी तो भी लेंथ हम प्लस ही करते हैं, दोनों की लंबाइयों को हम जोड़ते ही हैं। बट बात करेंगे हम यहाँ पे स्पीड की, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड दोनों की जुड़ जाती है, और अगर सेम डायरेक्शन होगी तो स्पीड दोनों की क्या होगी, माइनस होगी। बस इतना आपको चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो देखिएगा दोनों रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो, लेंथ कितनी है, एक की 180 है और दूसरी की लेंथ है 270, तो इनकी लेंथ जो है वो हमेशा ऐड होगी। तो 180 और अगर मैं 270 को जोड़ूंगा तो यहाँ पे हमारा कितना बन जाएगा, 450 बनेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 450, क्योंकि लेंथ इनकी हमेशा दोनों की ही प्लस होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या है कि देखिएगा यहाँ पर हमको टाइम दे रखा है सेकंड में, बट पहली रेलगाड़ी की चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड हमेशा ऐड होगी। तो एक रेलगाड़ी की चाल हमको दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की हमको निकालनी है जिसको हमने मान लिया एक्स, क्योंकि ये ऐड होगी आपस में जुड़ेंगी। ठीक है, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इनको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, इनको हम करते हैं 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो ये 18 नीचे ना रहकर ये 18 हमारा चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर हमारा आ गया 18। ठीक है, तो ऊपर लेंथ आ गया, नीचे आ गई हमारी स्पीड, तो लेंथ बटे स्पीड कितना होता है, टाइम होता है, और टाइम हमको दे रखा है कितना, 10.8 सेकेंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 108/10 लिख सकते हैं। बस इतनी चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई। अब हमको निकालना क्या है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमको निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिएगा 18 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, तो 18 से हमारा 8 कैंसिल हो गया 6 टाइम में, राइट, और ये 5 से हमारा ये कैंसिल हो गया 2 टाइम में, और ये 2 से हमारा ये कैंसिल हो गया 3 टाइम में। अब जो बचा है उसको हम क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 180+3x = 450। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या बन गया, 3x तो हमारा ऐसे ही हो गया, और ये 180 इधर जाके 450 में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें हम अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 270। इतनी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। अब देखिएगा इसको हम कैंसिल कर देंगे 3x से, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 27 = 90। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, और हमको x की ही वैल्यू निकालनी थी। तो ऑप्शन बी पे हम जाएंगे जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से करवाया है, बिल्कुल बेसिक्स लिया है मैंने, इसमें ट्रिक भी यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर देखिएगा लवण का प्रतिशत निकालना है शेष बचे घोल में, तो इस समय लवण का प्रतिशत कितना है पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो टोटल घोल हमारे पास कितना है, 12 लीटर है ना, तो जिसमें 7% लवण है, तो 12 में से अगर हम 7% निकालेंगे लवण, तो ये कितना बच गया हमारा, 0.84, यानी कि इसके अंदर 0.84 नमक है अभी। ठीक है, अभी क्या है, इसके अंदर लवण है। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्या है, हमको यहाँ पे पता लग गया कितना है, 0.84 इसके अंदर लवण है। अब 0.84 को मैं ये हटा दूंगा तो इसको मैं बटे में 100 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज़ तो आपको आती होगी, बेसिक है। अब 12 लीटर जो घोल है उसमें से 4 लीटर घोल क्या है, वो वाष्पित होकर उड़ गया, तो घोल कितना बचा यहाँ पे हमारे पास अब बच गया घोल 8 लीटर, 12 में से 4 लीटर उड़ गया। तो देखिए लवण हमने ऊपर लिखा है, नीचे हमारी टोटल क्वांटिटी है इस समय, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, गुणा में 100 कर देंगे। तो 100 से हमारा ये 100 कैंसिल हो गया, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 10.5%। और ये हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि जो बचा हुआ घोल 8 लीटर है उसके अंदर 10.5% लवण है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वेश्चन एकदम ईजिली सॉल्व हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एक परिवार में 6 पुत्र की औसत आयु 8 वर्ष है, इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है। तो अब देखिएगा यहाँ पे इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं कि 6 पुत्र हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष है, अगर मैं 6 को 8 से गुणा कर दूँ तो ये इनकी कुल आयु आ जाएगी, यानी कि पुत्रों की कुल आयु कितनी है, 48 वर्ष है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन कह रहा है, इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु, अब लड़के कितने हैं, टोटल 6 हैं, तो 6 हैं और माता और पिता कितने हो गए, टोटल 2, तो 6 और 2 = 8, यानी कि टोटल 8 जो व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु कितनी है, यहाँ पे 22 वर्ष है, अगर मैं 8 को 22 से गुणा कर दूंगा तो इन 8ों की टोटल आयु आ जाएगी, तो इन 8ों की टोटल आयु कितनी होगी, 176 हो गई। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझिएगा कि ये इसका कलर चेंज करते हैं कि यहाँ पर देखिए ये 48 क्या है, इनके 6 की 6 पुत्रों की औसत कुल आयु है। ठीक है, और ये 176 क्या है, ये 6 लड़कों की औसत आयु 48 तो इसके अंदर ऐड है ही, प्लस जो हमारे पास बचेगा वो इनके माता और पिता की कुल आयु है। तो अगर मैं इसमें से 48 घटा दूँ, 176 में से अगर मैंने 48 घटा दिया तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, तो यहाँ पर हमारे पास 126 बच गया। और ये 126 क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, ये जो हमारे पास 128 बच गया। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा, 128 है तो इसमें से अगर हमने 48 घटा दिया हमारे पास क्या बचा, 128 बचा। अब ये 128 क्या है, ये जो 128 है ये इनके माता और पिता की कुल आयु बची है। ठीक है, क्योंकि 48 हमने इनके बेटे की आयु माइनस कर दी 6 की, तो 128 वर्ष इनके माता और पिता की आयु है। अब अगली लाइन बोल रहा है, यदि पिता माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो, अब मान लीजिए माता की आयु है x और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी, और इन दोनों को अगर मैं बीच में ऐड कर दूं, ये माता की आयु है ये पिता की आयु है, इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो इन दोनों का जोड़ कितना है, 128 है। ठीक है, तो ये दोनों के इक्वल हो गया। यहाँ पे आपको कोई भी फंडा समझ में आ गया होगा आराम से, कि देखिएगा कि दोनों ही माता और पिता की आयु का हमने टोटल यहाँ पे लिखा और इक्वल टू एक्चुअली टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 2x
और ये 8 इधर जाके क्या हो जाएगा, 128 में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा, 120 बच जाएगा। तो ये 2 से ये कैंसिल हो गया 60 टाइम में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, और हमने माता के ये क्या मानी थी, x मानी थी, जिसकी वैल्यू आ गई 60। तो 60 जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है। तो अब यहाँ पर देखिएगा आप कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। अगर मैं 18 को 5 से गुणा कर दूँ तो इनकी जो है कुल संख्याएँ आ जाएंगी, कुल संख्याओं का योग आ जाएगा। तो टोटल संख्याओं का योग कितना है, 90 है। और नेक्स्ट लाइन कह रहा है एक संख्या छोड़ देने पर, तो 5 संख्याएं थी, एक संख्या छोड़ दी, तो संख्याएं कितनी हो गई, 4 हो गई, और औसत हो गया यहाँ पे 16। तो अगर मैं 4 को 16 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पर कुल संख्याएं आ जाएंगी, 16 चौके कितना होता है, 64 होता है। पूछा है छोड़ी गई संख्या क्या है, तो देखिएगा ये 5ों का 90 है और ये 4 का है 64। तो छोड़ी गई संख्या कितनी है हमारे पास, 1 है, 5 में से 4 गए 1, और इसका औसत, इसकी छोड़ी गई संख्या पूछी है। तो इसमें से हम ये घटा देंगे, हमने यहाँ से ये घटा दिया तो हम यहाँ से ये भी घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, और घटाने के बाद कितना आएगा, 26। तो 26 जो है वो हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, तो गाइज ये थे आपके कुछ मैथ के क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड थे, और आपके एग्ज़ाम में NTPC जो हमारे रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, SSC हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, इन सभी में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।